आप जाकर कर्नल साहब के पास बैठिए। मैं चलता हूँ, शाम को फिर वापस आऊंगा। क्या ख्याल है अर्जुमन, हमें सिस्टर कनीज को एक हफ्ते के लिए रोक लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं सोच रही थी कि आज दोपहर को जब मैं उसका हिसाब करूं, तो मैं उसको ये कहूं कि अर्जुमन को और मुझको बहुत खुशी होगी अगर एक हफ्ता आप हमारी मेहमान रहें। मेरा ख्याल है मेहमान कहना जरूरी है। हाँ, अब तो उसे पैसे की उम्मीद भी कहा। कौन जाने, साफ साफ बात कर देने में क्या हर्ज है। हाँ, बच्चों ने उसकी बहुत खिदमत की है बेटा, आखिर वक्त में उसे अल्लाह का शुक्र है कोई तकलीफ नहीं हुई। He had a good innings. जी। अर्जुमन बेटा, जहाँ रहा बेटा, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कहिएगा, यही टाइम होता है एक दूसरे के काम आने का। वो शाम का खाना तुम्हारी आंटी नरगिस वो भिजवा रही हैं, और स्वयं के लिए शायद शायद से मैंने कह दिया है, शायद स्वयं का सारा इंतजाम कर लेगा। मैंने जरूर सन से बात कर ली है डैडी। गुड। वो डैडी की रेजिमेंट, वो डैड ने सुबह ही सीओ से बात कर ली। आपा, वो सब लोग फ्यूनरल पे शरीक होंगे और कुल पर भी। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें आपा, जरूर सन का टंकी ऑपरेशन है, शामियाना है, बर्तन वगैरह, खाना पीना सब लोग वो सप्लाई करते हैं। नहीं नहीं बेटा, डोंट वरी, मैं मस्जिद के पेशवाम से मिल चुका हूँ। ही विल सेंड सम फेलोज टुमारो मॉर्निंग। वो बरामदे में अपना कुरान खानी वो करेंगे, और खाने का इंतजाम भी तुम्हारी आंटी ने बिल्कुल कर दिया है। बिल्कुल फिक्र ना करें आप लोग। थैंक यू अंकल हबीबुल। लो, तुम्हारी आंटी भी आ गई। अच्छा है तुम लोग मिल लिए, अब बैठ कर बाकी बातें तय कर लें आप लोग। मैं तदफीन का इंतजाम वगैरह कर लूँगा। लेकिन डैडी तो चाहते थे कि सब कुछ बहुत सादगी से और कम खर्च में हो।
आओ बेटा, ऐसा करो तुम चलो मेरे साथ और जहूर को लेकर आओ ताकि इनसे बढ़िया बातें कर ले। अच्छा मैं चादरों का इंतजाम करती हूँ, लोग आते ही होंगे। डैडी इन सब चीजों के कायल तो नहीं थे। हाँ शुक्र है कि अंकल हबीबुल्लाह ने शामियाने पर इंसिस्ट नहीं किया। मेरे तो कानों में अभी भी डैडी की आवाज गूंज रही कि मुझे तुम लड़कियों से ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम समझती हो कि इस मम्बो जम्बो तमाशे के पैसे मैं दूंगा। अर्जुमन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए था पापा? मेरा मतलब है डैडी को इस तरह दफनाना। तो और करते क्या? दफनाना तो था ही ना, अब इस घर में तो नहीं रख सकते थे। मजाक मत करो, डैडी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। यकीन है कि वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मिस जहारा प्लीज जरा ये ब्रेड और पास कर दें, मैंने मिस ग्रिल बहुत ले लिया। जब मैं मिसेस तरीन के साथ होती थी ना तो उनके पास एक वंडरफुल बटर डिश थी। गिलास के डिश पर चांदी की परी और उस चांदी की परी के हाथ में एक स्टिक सी होती थी। जब परी का पांव दबाते तो वो स्टिक से मक्खन का पीस कट कर देती थी। ये सब हमारे लिए गेम था, बहुत मजा आता। मेरे ख्याल में तो ये फजूल खर्ची है। वाई फजूल खर्ची? फजूल खर्ची क्यों? अब भला कोई जरूरत से ज्यादा बटर क्यों खाएगा? अर्जुमन घंटी। मुमताज जैम। प्लीज ओह माय गॉड, जैम का तो एंड हो गया। अब क्या करें? वो हनीफ तो अपने क्वार्टर में चला गया होगा, मामलेट है। आ?
ہوتا مام لیٹ دینا. مارملیڈ زیادہ کڑوا تو نہیں ہوگا؟ تو کیا خیال ہے، تم تیار ہو؟ دیکھو بہتر ہے کہ آج ہم یہ کام کر ہی ڈالیں. تو چلو تم پہلے چلو. That's not fair. تم بڑی ہو، لمبی تو تم ہو. سوچو، ہم پہلے صبح کے وقت اس کمرے کے پاس بھی نہیں آتے تھے. اور اب کھل ہی نہیں رہا ہے یہ. لگتا ہے کہ دروازہ کھلا ہی نہیں اور ہم اچانک دیوار کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے کمرے میں آ گئے. کیا خیال ہے، ہمیں پردے کھولنے چاہیے؟ ہاں ہاں، اچھا خیال ہے. پاپا، کیا خیال ہے یہ کام کسی اور دن نہ کر لیں؟ پر آج جو کام کرنا ہے تو. اور یہ تم خس خس کیوں کر رہی ہو؟ پتہ نہیں، میں. اور یہ تم بستر پر ایسے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بستر پر کچھ نہیں ہے. پاپا تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو اور وہ بھی اتنی اونچی آواز میں؟ نہیں کر سکتی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے جیسے ڈیڈی اپنے موزوں نیک ٹائز اور کمیزوں کے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں چھپے ہوئے اس الماری میں. مت کھول، اسی میں بہتری ہے، کسی چیز کو نہیں کھولتے، ٹھیک ہے؟ اور بہت دنوں تک نہیں کھولتے. مگر یہ تو کمزوری ہوگی. تو کیا ہوا، زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار ہم بھی کمزور ہو کر دیکھیں. کمزور ہونا طاقتور ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے. چلو آپ، آج ہم بھی کمزور ہو کر دیکھتے. دیکھا، نہ ہی کوئی زلزلہ آیا اور نہ ہی الماری ہم پر گر پڑی، ہے نا ابا؟ آ جاؤ.
दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अजीब उलझन सी है। हम मुमताज को कहें कि हमें दो प्याले ग्रीन टी के बना दे इस वक्त? हाँ क्यों नहीं, बस गर्म पानी ऑर्डर कर दो, हम टी बैग डाल लेंगे। टी बैग्स? हाँ ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं घंटी नहीं बजाती, मैं बावर्ची खाने में खुद जाती हूँ और मुमताज से कह देती हूँ। हाँ जरूर जाओ, उससे कहना कि गर्म पानी प्यालों में डाल दे और ट्रे में दो प्यालियाँ लगाए, शक्करदान और चायदान की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं योनी का जिक्र कर रही थी। नहीं तो मगर व्हाट अबाउट हिम? हमें चाहिए कि डैडी की कोई ना कोई चीज उसे भेजे। लेकिन कौन ले जाएगा और कैसे भिजवाएं और फिर क्या भिजवाएं? इंग्लैंड क्या भिजवा सकते हैं? हाँ हम उसे डैडी की पॉकेट वॉच भिजवा सकते हैं। ये ठीक है, लेकिन डैडी ने हद कर दी, यूनी के नाम कोई चीज ही नहीं छोड़ी। जी थैंक्स अ लॉट, खुदा हाफिज। अरे मेरी बात तो करा दी होती। ना जान ना पहचान, क्या फायदा? अब कहती हैं हम तुम्हें डैडी की पॉकेट वॉच भिजवाना चाहते हैं। डैडी ने एक पाई तक तो दी नहीं मुझे। तुम भी तो एक्टर बनने पे तुले हुए हो। मैं एक्टर बन नहीं रहा, मैं एक्टर हूं। हाँ 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 हो, मुझसे मत लड़ो। और अगर नहीं लेनी थी तो उन्हें मना कर देते। मैं अब उन्हें क्या कहता, उनकी तो खुद चूने निकलती थी डैडी के सामने, और डैडी ने अपने घमंड में उनकी शादियां भी नहीं होने दी। देखा कितना अच्छा खत लिखा है। मैं तो कल ही से सोच रही हूं कि डैडी की पॉकेट वॉच सिक्की को ही मिलनी चाहिए, फिर सब लोग उसे कहेंगे आई सी यू गॉट योर ग्रैंडफादर्स पॉकेट वॉच। है भी तो इकलौता पोता, इसे भी एक्टर से ज्यादा लॉयर के लिए पॉकेट वॉच मुनासिब रहेगी। अफसोस के वो जनाजे पर नहीं पहुंच सका। वक्त ही कहां था, वैसे भी यहां पर इतनी जल्दी दफना देते हैं। और केस भी तो लगा हुआ था उसका, वैसे अगर वो यहां होता तो कुछ और ही बात थी। छुट्टियों में जरूर आएगा, याद है जब पिछले साल वो छुट्टियों में आया था? हाँ। तुम हमारे केक से बिल्कुल मत घबराना सीखी, तुम्हारी छोटी फूफो आज ही साशा से लेकर आई है, और हमें तो ये मालूम है कि जवान लोगों को कितनी भूख लगती है, तो बिल्कुल मत शर्माओ और खूब खाओ।
नहीं नहीं बड़ी पप्पू, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, मैंने अभी तो लंच किया है। अरे ये कैसे हो सकता है, अब तो 4 बज रहे हैं। नहीं असल में पापा के एक दोस्त ने लंच पे बहुत इंतजार करवाया, फिर बड़े एहतमाम से खाना खिलाया और मुझे उस वक्त भूख भी बहुत लग रही थी। लेकिन सिकी तुम्हें ये मरैंग्स तो जरूर खाने होंगे, हमने खास तुम्हारे ऑर्डर पे बनवाए हैं, और हमें पता था कि तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। क्या तुम भी इतने शौक से मरैंग्स खाते हो ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आधे से शुरुआत करूं? नहीं नहीं इसमें बुरा मनाने की क्या बात है, जरूर जरूर, लेकिन तुम इतनी जल्दी हमसे छुटकारा नहीं पा सकते हो। अच्छा सिकी हमें एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पापा को अब भी मरैंग्स उतने ही पसंद है? जी मालूम नहीं। क्या मतलब मालूम नहीं, तुम्हें अपने पापा के बारे में ये मालूम नहीं? दरअसल वो हाँ दरअसल अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं असल में समझा नहीं मैं भी क्या सोच रहा था। मरैंग्स ऑफ कोर्स मरैंग्स तो बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल भूल ही गया था, इश्क है पापा को, इश्क है मरैंग्स। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। तो चलो अब डैडी से मिल लो सिकी, उन्हें मालूम है कि तुम पहुंच गए। जी ठीक है। छोटी पप्पू आपकी घड़ी कुछ स्लो है, मुझे असल में एक आदमी से मिलना है 5 बजे, बड़े डैडी के पास मैं इतनी देर बैठ नहीं सकूंगा। हाँ कोई बात नहीं, वो भी तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, चलो। ठीक है। आप नहीं चल रहे? नहीं नहीं सब चलेंगे, अब चलो ना अर्जुमन। जी आप आओ सिक्की। अंदर आओ, बाहर क्यों लटके हुए हो? क्या है क्या है, क्या करते रहे हो? डैडी ये सिक्की है। आदाब बड़े डैडी। खूब, तो तुमको हमसे क्या कहना है? डैडी सिकी ये कह रहा था कि उसके डैडी को अभी भी मरैंग बहुत पसंद है। डैडी सिकी कह रहा था कि उसके डैडी को मरैंग अभी भी बहुत पसंद है। हम तो बहरे हैं, ये बताइए ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? क्या ये जरूरी है? हाँ बेटा बहुत खुश होंगे। बताइए बताइए। जी मेरे पापा को मरैंग्स अभी भी बहुत पसंद है। चीख क्यों रहे हैं, साहबजादे की तबीयत तो ठीक है, मरैंग्स का भला किसी चीज से क्या ताल्लुक? मेरे ख्याल से इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। नहीं मेरे बच्चे पल भर में समझ जाएंगे, बहरे हो रहे हैं ना। डैडी सिकी आपको ये बताना चाह रहा है कि उसके डैडी को मरैंग्स अभी भी बहुत पसंद है। बहुत हैरत अंगेज बात है, बहुत ही हैरत अंगेज बात है, और ये इतनी दूर से मुझे ये बताने आया है। मेरे ख्याल में तो घड़ी सिकी को मिलनी चाहिए। याद है जब पिछले साल आया था तो बार बार टाइम पूछता था। बाइल के फ्राई मुमताज, क्या बॉइल या फ्राई? मछली, लेडी फिश। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम ये कैसे जानते कि तुम क्या कहना चाह रही हो? मुमताज दुनिया में और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो बॉयल या फ्राई हो सकती हैं। अर्जुमन तुम क्या पसंद करोगी? मुझे तो
فرائی زیادہ پسند ہے. ویسے تو مجھے بوائل لیڈی فش بھی اچھی لگتی ہے, لیکن دونوں بہت لذیذ ہوتی ہیں. تمہاری کیا رائے ہے اگر؟ اچھا میں فرائی کر دیتی ہوں. ارجمن تم ذرا ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں آنا. جی آپ. بیٹھو. ارجمن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اسے یہاں رکھنا ہے یا نہیں. بات تو یہی ہے اور ہمیں اس دفعہ فیصلہ کر ہی لینا چاہیے. دیکھو حالات اب بہت بدل چکے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ڈیڈی کے لیے تو اب کھانا پکنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور کسی بات کی ضرورت ہو یا نہ ہو ڈیڈی کا کھانا پکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دیکھو ارجمن میری بات بہت غور سے سنو. اگر ہم ممتاز کو نوٹس دے دیں تو اپنا کھانا تو ہم خود بھی پکا سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ ویسے ہم کیا پکائیں گے؟ انڈے, آملیٹ, خاگینہ وغیرہ. اور پھر اب تو پکا پکایا کھانا بھی مل جاتا ہے. لیکن آپا وہ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. نہیں, اگر کفایت کی جائے تو پھر گزارا ہو سکتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہم بھی تو پکانا سیکھ لیں گے. اب یہ فیصلہ کر ہی ڈالیں. مگر اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم اس ممتاز پر اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں. ہاں یہی تو ایک بات ہے جس کا ہم کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں. آپا اکثر میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ میری نقل اتار رہی ہوتی ہے. ہاں اور اگر میں اسے کچھ کہوں نا تو مجھے پتا کہ وہ صاف انکار کر دے گی. اور وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں کسی تکلیف کا شکار ہوں. ہاں ظاہر ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اندر کا تھوڑا بہت کام تو حنیف بھی کر سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے آپا میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ اکثر میرے چیسٹ آف ڈراز کھول رہی ہوتی ہے. چوری کی نیت سے نہیں, صرف جاسوسی کرنے کے لیے. ہاں تم نے اکثر دکھایا ہے کہ تمہاری چیزیں الٹ پلٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں. سال سے یہ گھر بالکل میرا اپنا تھا. کرنل صاحب نے آپ لوگوں میں اور مجھ میں بالکل کوئی فرق نہیں کیا. کل جب میں نے اپنے گھر فون کیا اور کہا کہ میں آج آ رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے بگ ڈے کے موقع پہ تمہارا گھر ہونا کتنا عجیب سا لگے گا. میرے گھر والے تو مجھے بھول ہی گئے تھے. پچھلے 2 مہینے سے تو کرنل صاحب نے مجھے سنڈیز کو بھی روک لیا تھا. کتنا سنسان لگ رہا ہے یہ گھر کرنل صاحب کے بغیر. کتنے اچھے آدمی تھے. ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا مجھے. کتنی اپنائیت تھی ان کے دل میں میرے لیے. ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی. If you don't mind, please, I request you. مجھے کرنل صاحب کی کوئی چیز نشانی کے طور پر سسٹر کنیز ارجمن نے اور میں نے پہلے سے سوچا تھا کیا آپ کے لیے. اس میں ممی اور ڈیڈی کی ایک فریم کی ہوئی تصویر ہے اور
डैडी का एक सफेद रेशमी रुमाल। आपा, अगर हम डैडी की टोपियां फिजियोथेरेपिस्ट को दे दें तो तुम्हारा क्या ख्याल है? डैडी बुरा तो नहीं मानेंगे? फिजियोथेरेपिस्ट? अर्जुमन, तुम्हें ये ऐसा अजीबोगरीब ख्याल क्यों आया? उसके पास कार नहीं है, वो हर जगह मोटरसाइकिल पर जाता है। मैंने अक्सर उसे देखा है, उसके सर पर टोपी भी नहीं होती। अगर हम उसे कोई तोहफा दे दें तो बहुत मुतासिर होगा। आखिर उसने डैडी की बहुत खिदमत की है। मगर डैडी का सर, और सोचो वही टोपी डैडी के सर पर और फिर उस सूखे सड़े फिजियोथेरेपिस्ट के सर पर। खैर, इस बात का फैसला हम कल भी कर सकते हैं। क्यों ना हम अपने ड्रेसिंग गाउन काले रंगवा लें? काले? और नहीं तो क्या, मुझे तो कुछ दोगलापन जैसा लगता है। सारा दिन हम काले कपड़े पहनकर फिरते हैं और रात को तैयार हो तो। लेकिन इस हालत में हमें देखता ही कौन है? मुमताज, हनीफ और फिर शायद डाकिया और अखबार वाला भी। हाँ, मगर मेरे ख्याल में इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। और फिर हम काले ड्रेसिंग गाउन और काले स्लीपर्स में दो काली बिल्लियों की तरह चुपके चुपके बाथरूम जाएं। आज मैंने 30 खतों के जवाब दिए, 30 बार मैंने लिखा कि हम अपने प्यारे डैडी की कमी कितनी महसूस कर रहे हैं। चूहा? नहीं, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तलाश में। लेकिन उन्हें तो नहीं पता ना, बेचारे। कौन? चूहे? चूहों का हमारी बातों से क्या ताल्लुक है अर्जुमन? मेरा तो ख्याल है कि तुम सो रही हो। मेरा तो ख्याल है कि मैं जाग रही हूं। अर्जुमन, जाओ, टीवी पर पैसे पड़े हुए हैं, जाओ, भागो भागो भागो। आपा, आपा, आप किस बात की जल्दी है? अब वो चाहे तो सारा दिन घंटी बजाता रहे सड़क पर खड़ा। हाँ, टेडी जो नहीं है छड़ी पटकने के लिए। तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? सनीचर। पूरा एक हफ्ता हो गया डैडी को गुजरे हुए। अर्जुमन, देखो कैसे सूरज की किरण कमरे में आ रही है।
जब लोग मर जाते हैं तो उनकी तस्वीरें भी मर जाती हैं। मरे हुए लोगों की तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं। मुझे याद है मैंने कुर्सी पर खड़े होकर तुम्हें बताया था कि मामा को सैलून में सांप ने डस लिया है। मामा को मरे हुए भी 50 साल हो गए। पापा, अगर मामा का इंतकाल ना होता तो क्या हमारे हालात बदल जाते? फरीदा खाला कितने साल हमारे साथ रही? डैडी के 4 ट्रांसफर हुए, हमने 5 घर बदले और कितने मुलाजिम आए और चले गए। हर साल हम पहाड़ पर जाते थे। अगर मामा मरती ना तो क्या हमारी शादियां हो जाती? कैसे हो जाती? हम लोग तो किसी से मिलते ही नहीं थे। हमारे घर कौन आता था? डैडी के कुछ मिलने वाले। और अगर हमारी किसी से मुलाकात हो भी जाती तो फिर हमारी दोस्ती कैसे होती? किताबों में पढ़ा है कि लड़के लड़कियों के पीछे आते हैं। हमारे पीछे तो कोई भी नहीं आया। पापा, तुम्हें याद है जब हम जंजुआ साहब से मिले थे तो उस वक्त शायद वो कैप्टन या मेजर थे। हाँ, कागान में। और एक सुबह बरामदे में उनका खत मिला था। और हमें ये नहीं पता था कि वो खत तुम्हारे लिए है या मेरे लिए। बारिश से नाम जो मिट गया था, बस सिर्फ मिस का M और लतीफ का E और F रह गया था। लेकिन हम में से कौन जाता उसे ब्रिज पर मिलने? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर डैडी को पता चल जाता तो फिर इसकी तो नौबत ही नहीं आई थी। हाँ, जो ही तुम खत लेकर अंदर आए फौरन इत्तला मिल गई कि लैंडस्लाइड हो गया है और सब फैमिलीज को वापस जाना है। वो दिन और आज का दिन। पापा, क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी हमारे बारे भी सोचता होगा? क्या ख्याल है आपा? मैं ये सोच रही थी कि हाँ नहीं, पहले तुम बताओ तुम क्या सोच रही थी। लेकिन आपा, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ। अर्जुमन, बेकार बातें ना करो। सच्ची आपा, बताओ ना। अर्जुमन, thank you.
पास कुछ कहने को नहीं है क्योंकि मैं भूल गई हूँ मैं कहना क्या चाहती थी। मैं भी भूल गई हूँ।